अभी हाल कांग्रेस गाजा पट्टी का मतलब जो नरसंहार करा इसराइल में उसका समर्थन कर रही है और इसराइल का विरोध कर रही है, तो उनकी सोच को वैसे उजागर करता है। क्यों, क्या चाहते हैं? मासूम बच्चों को किया गया गर्दन, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और एक एक महिला के साथ 50-50 लोगों ने बलात्कार करके फेंक दिया, उसका समर्थन कर रही है कांग्रेस। इतने लोग मारे गए उसके बावजूद भी हमास का समर्थन कर रही है, और हमारी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इसराइल का समर्थन कर रही है और इसराइल की जनता का समर्थन कर रही है। तो ये सोच का फर्क है, उनकी सोच में और हमारी सोच में ये फर्क है। भाजपा की सरकार बनेगी और आराम से बनेगी, कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। कमलनाथ जी कहने से क्या होता है, उनके कहने से कुछ नहीं। अरे क्या होता है, हम वोट दे, वोटर तो हमें ना, वो तो उनका खुद का वोट दे सकते हैं। हम तो पब्लिक के साथ खड़े हैं, पब्लिक से पूछो ये किनको वोट देंगे, किसको वोट देगी भाई पब्लिक? ओनली भाजपा, भाजपा को देंगे, बीजेपी भाजपा को ही वोट देंगे, भाजपा। लाइट में हम सो नहीं पाते थे, रात रात भर पंखा चलाओ हिलाओ, जब लाइटों का नाम नहीं था। आज इन्वर्टर खत्म हो गए हैं, लाइट इतनी आ रही है लगातार कि इन्वर्टर का काम ही खत्म हो गया। कमलनाथ जी ने 1.5 साल में तोड़ो अभियान और ट्रांसफर अभियान के सिवा कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी पूर्ण रूप से सिख नरसंहार के दोषी है, करवाया था उन्होंने तो, लेकिन वो उनका शासन था तो उनका नाम नहीं आ पाया और उसको अलग रखा उन्होंने। नहीं तो ये दोस्त ही थे जगदीश टाइटलर और ये कौन थे सभी। आने वाले समय में धीरे धीरे उनका नाम भी आएगा पूर्ण रूप से और जेल भी जाएंगे, वो कराए तो भुगतना तो पड़ेगा। पूर्ण रूप से बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस अभी तक अपनी टिकट ही नहीं तय कर पाई है। डेवलपमेंट सबको दिख रहा है, इसका सबको दिख रहा है, और ये कमलनाथ जी सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं। लाडली बहना जो योजना चलाई है मुख्यमंत्री ने, वो योजना 100% वोट बीजेपी को दिलाएगी। वो योजना भाजपा का माहौल है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में। बीजेपी आनी है क्या? बीजेपी ने तो काम ही काम किया, कांग्रेस ने किया क्या है? सिर्फ जाति विघटन करा उन्होंने और कुछ नहीं किया है। चारों सीट बराबर आएगी भाजपा की, पॉसिबल ही नहीं है। उनके उनके सपने में आते हैं बाकी भाई, और मैं बताऊं आपको सर, आज जो रात को सोते हैं ना तो उनके उन सपने में एमपी में तो शिवराज जाते हैं और केंद्र में उनका मोदी जाते हैं, कहीं घर पे आके ना हमारा छापा ना डाल दे। जैसे अभी दिल्ली की हालत है ना सर, मनीष सिसोदिया ने सब जिनकी हालत खराब हो गई है सब। केजरीवाल तो यहाँ भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो तो कह रहे हैं उखाड़ फेंको बीजेपी को। यहाँ वो उखड़ जाएंगे, यहाँ आएंगे तो उखड़ जाएंगे, वो पक्की बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है मंदसौर में। मंदसौर के जिला की अगर बात की जाए तो 4 सीटें यहां पर हैं और कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा मतदाता हैं इस समय हम मौजूद हैं मंदसौर सीट पर। मंदसौर सीट की अकेले अगर हम बात करें तो 2,60,000 से ज्यादा यहां पर मतदाता हैं, और अभी जो करंट सिनेरियो है 4 सीटों में 4 की 4 बीजेपी के पास है। यहाँ की जनता से बात करेंगे और साथ ही साथ अभी जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियों के बीच जो यहाँ पर दिग्विजय सिंह का स्टैंड सामने आया है, एनआईए पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जो पीएफआई को लेकर के यहाँ पर इस समय एनआईए जांच कर रही है। पीएफआई सब जानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा टेरर लिंक है, बैन हो चुका है गृह मंत्रालय की तरफ से, और कहीं ना कहीं 2047 तक जिसका ये मंशा थी कि गजवाए हिंद हो, मुस्लिम राष्ट्र बने, उसके साथ कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव पर इसका कितना असर होगा, सीधे मध्य प्रदेश की जनता से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, सरकारों का काम कैसे देखना है, देखते हैं, और 3 दिसंबर को किसकी सरकार चाह रहे हैं। सर क्या नाम है आप? विनोद डगवार। विनोद जी, सबसे पहले सीधा स्पष्ट सवाल, चुनावों पर आऊंगा, दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, पीएफआई के बारे में जानते होंगे आप, जो बैन हो चुका है गृह मंत्रालय की तरफ से, टेरर उसका पूरा लिंक सामने आया, उसके लिए यहां पर सवाल उठाए हैं कि एनआईए जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पीएफआई के समर्थन में दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। एक जो अभी हाल कांग्रेस गाजा पट्टी का मतलब जो नरसंहार करा इसराइल में उसका समर्थन कर रही है और इसराइल का विरोध कर रही है, तो उनकी सोच को वैसे उजागर करता है। क्यों, क्या चाहते हैं? मासूम बच्चों को किया गया गर्दन, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और एक एक महिला के साथ 50-50 लोगों ने बलात्कार करके फेंक दिया, उसका समर्थन कर रही कांग्रेस। आधे घंटे में 5,000 रॉकेट समथिंग छोड़े गए, हाँ, इतने लोग मारे गए उसके बावजूद भी हमास का समर्थन कर रही है, और हमारी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इसराइल का समर्थन कर रही है और इसराइल की जनता का समर्थन कर रही है। तो ये सोच का फर्क है, उनकी सोच में और हमारी सोच में ये फर्क है। इसराइल ने भी हमेशा साथ दिया है हमारा, इसीलिए हम भी साथ दे रहे हैं ना। साथ देना अलग चीज है, लेकिन वो कर क्या रहा है ये तो देखो आप, तो इस कारण इनको तो वोट मिलना नहीं है और कभी नहीं मिलना है। दिग्विजय सिंह की हमेशा से एक देश विरोधी मानसिकता रही है, वो देश विरोधी बयान देने में उनको ज़्यादा ही मज़ा आता है, वो एक समुदाय को संतुष्ट करके वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, ये कई बार देखा गया है।
अभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको लेकर प्रियंका गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है कि लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, कह रही हैं कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो साफ करें कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है पीएफआई के साथ खड़ा होना, क्या लग रहा है प्रियंका गांधी कुछ इस पर बोलेंगी या चुप्पी साध देंगी? समुदाय विशेष के वोट लेना उनका एक मकसद है, उसके लिए वो कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी यहाँ माहौल है, किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की सरकार बनेगी और आराम से बनेगी, कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। कमलनाथ जी कह रहे हैं अब तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, चौपट कर दिया प्रदेश पूरा। कमलनाथ जी कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं। अरे क्या होता है, हम वोट दे, वोटर तो हमें ना, वो तो उनका खुद का वोट दे सकते हैं। हम तो पब्लिक के साथ खड़े हैं, पब्लिक से पूछो ये किनको वोट देंगे, किसको वोट देगी भाई पब्लिक? ओनली भाजपा, भाजपा को देंगे। बीजेपी, बीजेपी भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा को ही वोट देंगे, क्यों देंगे भाजपा को वोट? विकास किया है, देखो विकास किया है। पहले जब हम यहाँ से इंदौर उज्जैन जाते थे ना, तो लगभग 8 घंटे में हम इंदौर उज्जैन पहुँचते थे। आज जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, आज हम 2.5 घंटे और 3 घंटे में उज्जैन इंदौर को टच करते हैं, काम करके नाइट में फिर घर आ जाते हैं। मतलब लाइट, लाइट में हम सो नहीं पाते थे, रात रात भर पंखा चलाओ हिलाओ, जब लाइटों का नाम नहीं था। आज इन्वर्टर खत्म हो गए हैं, लाइट इतनी आ रही है लगातार कि इन्वर्टर का काम ही खत्म हो गया। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, आज पीएफआई के साथ कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है गजवाइन, और बैन हो चुका है गृह मंत्रालय की तरफ से, ये कैसे देख रहे हैं चुनावों के बीच में ऐसे उनका स्टैंड लेना उनके साथ? दिग्विजय सिंह का अगर सवाल है तो दिग्विजय सिंह एक ऐसा व्यक्ति है अपने एमपी में कि उसकी बात को एक तो कोई तजुर्बो देता नहीं है खास तौर से, दूसरी बात यह है कि वो हमेशा ऐसे भड़काऊ भाषण दे के और हमेशा चर्चा में बना रहना चाहते हैं वो, उससे ज़्यादा वोटरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल क्या हो गया ना कि जनता से ये मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक, ये इतना गजब हो गया है कि हर बात आपके कानों तक पहुंच जाती है, तो दिग्विजय सिंह का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि और फ़ायदा बीजेपी को होता है उनके उससे कि वो क्या बोलते हैं, मतलब जनता सुनती है, समझती है और वैसा ही निर्णय लेती है। अच्छा, क्या लग रहा है कमलनाथ जी अब कह रहे हैं 1.5 साल दिया था, बस 5 साल तो दो पूरे, 1.5 साल में क्या काम कर पाएंगे? 5 साल दो हमको, कम से कम जनता से 5 साल मांगे हैं उन्होंने। कमलनाथ जी ने 1.5 साल में तोड़ो अभियान और ट्रांसफर अभियान के सिवा कुछ नहीं किया। तोड़ो अभियान, ट्रांसफर अभियान के, ट्रांसफर अभियान मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनको पैसा लेके यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, और तोड़ो अभियान मतलब जो बिना, जो भाजपा के या अन्य किसी कार्यकर्ता होंगे या अन्य किसी पार्टी के होंगे, उनका जो जो मकान वकान है, दुकान वगैरह वगैरह, जिसका भी मतलब ज्वलस पद्धति से उनने ताउम्र काम किया है, और वही 18 महीने में कमलनाथ जी ने वही काम किया है, तोड़ो अभियान, तोड़ो अभियान और ट्रांसफर अभियान, इसके सिवा उनने कुछ नहीं किया 18 महीने में, 15 महीने। जैसे उनका जो 84 वाला कहा जाता है कि 84 में जो हुआ था दिल्ली के अंदर सिख नरसंहार जो हुआ था, उसमें भी हाथ बताया जाता है जैसे उनका, वैसे ही कुछ देखने को। हाँ हाँ हाँ, पूरा हाथ क्या है, पूर्ण रूप से कमलनाथ जी पूर्ण रूप से सिख नरसंहार के दोषी है, करवाया था उन्होंने तो, लेकिन वो उनका शासन था तो उनका नाम नहीं आ पाया और उसको अलग रखा उन्होंने, नहीं तो ये दोस्त ही थे जगदीश टाइटलर और ये कौन थे, सभी सभी साथ में रहते थे 14 के बाद, उसमें जो है अब जा करके जो है ये आरोप लगना शुरू हुए और जा करके सब चीज़ें इसमें FIR वगैरह, आने वाले समय में धीरे धीरे उनका नाम भी आएगा पूर्ण रूप से और जेल भी जाएंगे, वो कराए तो भुगतना तो पड़ेगा, जेल जाएंगे। जेल, जेल को लेकर के आजकल बहुत डिबेट है कि बीजेपी वाले सबको जेल भेजने में लगे हुए हैं जी, क्या कहेंगे? देखो जो अच्छा व्यक्ति है ना उसको तो कोई डर नहीं है, लेकिन जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है वो तो जाएगा जेल में, तो डर तो गद्दारों को है और किसको है। क्या क्या माहौल है यहाँ पर, 4 सीटें हैं मंदसौर की और 230 प्रदेश, 4 का 4 बीजेपी जीतेगी, 4 का 4 और अच्छे मतों से जीतेगी, यहाँ पर कोई किसी का माहौल नहीं है, क्यों लोग बीजेपी का है। प्रदेश में 230 सीटें, 150 सीटों से भाजपा सरकार बनाएगी, 150 सीटों से पूर्ण बहुमत मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निरांत बग्गा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर का निवासी हूँ, और इस बार पूर्ण रूप से बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस अभी तक अपनी टिकट ही नहीं तय कर पाई है, और जबकि बीजेपी अपनी सिर्फ 94 टिकट्स बाकी है, वो भी 1 या 2 दिन में आ जाएगी। पूर्ण माहौल है, कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है यहाँ पे, यहाँ 40 साल से नगरपालिका बीजेपी की है, बहुत विकास कार्य हुए हैं, और हम जो यूथ हैं, यूथ के लिए भी बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छी अच्छी योजना है, ये सीखो कमाओ योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान की आई है, पूर्ण माहौल है, और 40,000+ वोट से इस बार माननीय विधायक जी को जिताएंगे हम। लेकिन वो कमलनाथ जी कह रहे हैं 18 साल में चौपट कर दिया मामा जी ने प्रदेश को, कुछ काम नहीं किया मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी तो सिर्फ झूठी झूठाई बातें चल रही है, ये हम सब ने देखा है कि दिग्विजय सिंह जी का शासन, जहाँ हमको इंदौर जाने में 12-12 घंटे लगते थे, आज सिर्फ 3 घंटे में हम इंदौर पहुँच जाते हैं,
मेट्रो इंदौर में चल गई है, भोपाल में मेट्रो चल गई है, तो ये डेवलपमेंट सबको दिख रहा है, इसका सबको दिख रहा है। और ये कमलनाथ जी सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं, जो उनको झूठ का सामना उनको 15 महीने में भी करना पड़ा और वो सिर्फ झूठी बातें, विकास जनता को दिख रहा है और जनता हमको पूर्ण बहुमत देगी। जी आपका क्या नाम? जयप्रकाश पमनानी। जी जयप्रकाश जी, बताइए क्या? जितनी जनहितकारी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने निकाली, लाडली बहना हुई, फ्री राशन हुई, प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ सीधे वो पब्लिक को मिला, और बहुत सी योजना जो मतलब जो गरीब लोगों को लाभ पहुंचाती है, उससे गरीब मतलब आर्थिक सुधार वाले लोगों का। प्रधान कमलनाथ जी कह रहे हैं बेहाल कर दिया प्रदेश में, काम कुछ नहीं किया, चौपट हो गया पूरा मध्य प्रदेश। बेहाल नहीं किया, महिलाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मिला इसमें, मातृशक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं आजकल, तो वो महिला वोटर को लुभाएंगी कांग्रेस की तरफ? नहीं लुभा पाएगी, नहीं लुभा पाएगी। लाडली बहना जो योजना चलाई है मुख्यमंत्री ने, वो योजना 100% वोट बीजेपी को दिलाएगी। वो योजना बहुत शानदार महिला की योजना है, जितना पैसा महिला एक उसमें कमा नहीं पाती थी उतना उसके खाते में जा रहा है, और अब तो 450 जिस महिला का नाम से सिलेंडर है, तो सिलेंडर को भी 450 रुपये में उसका दाम कर दिया है, 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो लगभग 2000 रुपये का फ़ायदा प्रति महिला को हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनना तय है, सरकार बनना तय है। आपका क्या नाम है? प्रवीण दिवाकर। कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर के। मंदसौर के रहने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार 3 दिसंबर को, क्या होने वाला है? भाजपा का माहौल है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में। कांग्रेस कह रही है हम मना रहे हैं सरकार, बदलाव आ रहा है, बहुत समय हो गया मामा गए हो। विकास की रफ्तार सिर्फ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में इस बार। अच्छा, लेकिन क्या कहेंगे? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 1.5 साल ही दिया था मेरे को, विश्वासघात कर दिया मेरे साथ, 5 साल दो मेरे को पूरे। कमलनाथ जी ने सिर्फ प्रदेश की जनता के साथ भ्रष्टाचार किया है। 15 महीने खुद, अगर 18 महीने खुद सरकार नहीं चला पाए तो बदलाव तो होना ही था, उस समय बदलाव हो गया, अब क्या बदलाव होगा? अब तो फिर भाजपा सरकार आएगी, फिर भाजपा सरकार आएगी। यस। आपका क्या नाम है? राहुल सांखला। कहाँ के रहने वाले? मंदसौर लोकल। मंदसौर लोकल जी। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार? बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? शुरू से बीजेपी में वोट दिया है और अच्छा काम भी हुआ, उससे बीजेपी आएगी सब। लेकिन कांग्रेस तो कह रही कुछ किया ही नहीं 18 सालों में प्रदेश ना ही है और कुछ करना नहीं है, बीजेपी आनी है। उनके टाइम पे कैसा था? उस टाइम में थोड़ा छोटा था, मुझे नहीं पता, किसी ने तो देखा होगा उनका शासन। इनका दिग्विजय सिंह जी का अंधेरा गोट, मतलब सड़क तो है ही नहीं और गड्ढे ही गड्ढे। इंदौर पहुँचने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अलग अलग रोड से जाना पड़ता था, और आज फराटे बंद गाड़ियाँ चलती है, बनबंडाट रोड बन गए, शांता रोड बन गए। अब 6 से 8 घंटे लगते थे, अब कितना समय? अब तो 3-3.5 घंटा। क्या लग रहा है अभी 3 दिसंबर को क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनती है? क्या बीजेपी ने तो काम ही काम किया, कांग्रेस ने किया क्या है? सिर्फ जाति विघटन करा उन्होंने और कुछ नहीं किया है। जो भाजपा ने किया है विकास का मुद्दा है। आज मोदी जी को आप देखो, पूरे वर्ल्ड में कितना सम्मान है उनका, कितना सम्मान है, वो सम्मान कभी कांग्रेस नहीं हासिल कर पाई। कांग्रेस की जो सरकार बनी है वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल के आधार पर ही रही है आज तक, और यहाँ उचित निर्णय होता है, चार जनों को बिठा के निर्णय किया जाता है। जाति का आपने जिक्र किया, अभी देश में एक नया डिबेट शुरू हो गया जातिगत जनगणना, राहुल गांधी भी उसको लेकर कह रहे हैं कि बेरोजगारी इसलिए है कि जातिगत जनगणना नहीं हुई अभी तक। बस ये जातिगत गणना करके आप देश को और विभाजित कर रहे हो। सब भारतीय हैं, जो भारत में रहने वाला है वो सारे लोग भारतीय हैं, उसमें क्या विघटन करना आप? क्या आप विघटन करके क्या मतलब प्रदर्शित करना चाहते हो आप? इनके पास कुछ भी हथियार नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। क्या लग रहा है आप, जनता विश्वास जताएगी इन पर? ये तो कह रहे हैं बदलाव करो। 100% जताएगी, बदलाव का तो खाली कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ। बाकी तो आम पब्लिक जो है, आम जनता है, वो सिर्फ भाजपा के पक्ष में है। भाजपा चूंकि जनहित की पार्टी है, और आप खुद देखिए ना सारे कितने बढ़िया सिस्टम इन्होंने लागू कर लिए हैं। आज डोभाल साहब को देखो, सबको उठा के रखा हुआ है इन्होंने। योगी जी आदित्यनाथ को देखो आप, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कहाँ गलत कर रहे हैं ये, कहाँ गलत कर रहे हैं? PFI के बारे में तो सुना होगा, बैन हो चुका है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं उसमें? PFI पे अभी जो है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने अभी जो है रेड मारी है, 6 जगह पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेके। 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि NIA सब फॉल्स ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती है, वो कहीं ना कहीं PFI के समर्थन में नजर आ रहे हैं, जिसका पूरा टेरर लिंक यहाँ पर सामने आया। टेरर फंडिंग तो होती है ना, उसमें आप जग जाहिर, अगर आप इसको फंडिंग को आप नहीं रोकोगे तो पूरा देश का ही बंटा टाल होना। दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं उनके साथ, उनके समर्थन। किन के समर्थन में? वो PFI के समर्थन में। PFI के समर्थन में NIA पर सवाल उठा रहे हैं जांच एजेंसी। क्यों, किस किस तरीके सवाल उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि ये फॉल्स करती है, गलत इन्वेस्टिगेशन करती है, इनके सब झूठा निकलता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे आप कश्मीर की हालत देखी आपने, कश्मीर को देखा कि नहीं देखा आपने? सर मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ। आपने तो देखा ही है ना जम्मू कश्मीर में, 91% 370 हटने के बाद पत्थरबाजी कम हुई है, कम हुई ना। तो धीरे धीरे सारी जगह टूरिस्ट जाने लग गए हैं सर, वहाँ जाने लगे हैं आप, और टूरिस्ट बेखौफ जा रहे हैं वहाँ। सर ये बदलाव तो मैंने खुद ही देखा है, ये तो मैं जानता ही हूँ। 370 धीरे धीरे ही होगा ना बदलाव, तो आप 70 साल से आप बैठे हो, आपने करा क्या है? कांग्रेस जो बना था ना संगठन, उसको जिसने बनाया था, मैं चुक गया, ओए हूँ है ना, किसको ने ओए हूँ, अंग्रेज था, उन्होंने कहा था कि ये काय के लिए बना है कि जैसे ही आज़ाद हो जाएगा ये संगठन को स्वतः ही ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसके मंच पे आज तक कांग्रेस चली आ रही है और गांधी शब्द हट ही नहीं रहा है कांग्रेस से। तो आप क्या क्या करना चाहते हो आप, कि पूरा टोटली गांधी, कांग्रेस में कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं रहे हैं, या नेतृत्व की कमी है, या वो रिमोट कंट्रोल के आधार पर ही चलना चाह रहे हैं? आज आप यहाँ देखिए अटल बिहारी जी अपने, नरेंद्र मोदी जी हैं, मोरारजी देसाई भी जनसंघ से अपने बने थे। तो आज सिस्टम तो सब चेंज होता रहना चाहिए। मोदी जी 2024 के बाद हो सकता खुद ही घोषणा कर दें कि चलो ठीक है अब नया सिस्टम, अब नया अपना जो नेतृत्व है दूसरों को देंगे। तो यहाँ भाजपा में यानी कि यहाँ दिक्कत ये है कि गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये निकल ही नहीं पा रहे, और ये निकल जाएंगे ना तो उस दिन कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, ये खुद जानते हैं, इसलिए एक दूसरे को पकड़े हुए हैं बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, क्या लग रहा है सीटों का क्या होने वाला है? 230 सीटें हैं पूरे मध्य प्रदेश सर, 230 सीटें हैं, 150 सीटों पर भाजपा आएगी, 150 पर बाढ़ पाएगी। आपका युवा भी है हमारे साथ, क्या नाम है? गौरव मुजावदिया। कहाँ के रहने वाले? मंदसौर। मंदसौर के रहने वाले, क्या लग रहा है यहाँ का? 4 सीटें हैं यहाँ पर, किसको क्या मिलने वाला? नहीं बिल्कुल, चारों सीट बराबर आएगी भाजपा की। भाजपा की आएगी, क्यों आएगी? क्यों मंदसौर अभी भी 4 सीटों पर है, फिर से क्लीन स्वीप की तरफ है? नहीं बिल्कुल क्लीन सीट आएगी। क्या कारण है? विकास, विकास मंदसौर में भी खूब विकास हुआ है ऐसे कुछ। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश का क्या समीकरण लग रहा है? आप भाजपा की सरकार आएगी सर। लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं आप बदलाव होगा, और कमलनाथ जी के कहने से कोई बदलाव थोड़ी होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा, जनता विकास के साथ है, विकास किया है भाजपा ने, तो जनता विकास का साथ देगी, बिल्कुल देगी। 230 में से कितनी सीटें लग रहा है? नहीं 230 सीटें हम तो बराबर कहेंगे कि 200 सीटें पूरे ही आएगी भाजपा की, पूरे ही आए। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा अजुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले? मंदसौर में। मंदसौर के रहने वाले, क्या लग रहा है अजुद्दीन जी, किसकी सरकार? बीजेपी सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार बनी। हाँ, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी बननी चाहिए? कमलनाथ कुछ भी नहीं करते हैं, और झूठ बोलते हैं कमलनाथ, झूठ बोलते हैं, और क्या कांग्रेस कुछ भी सरकार नहीं आती, नहीं आ सकती है, और बीजेपी सरकार बनी बनती है, और नरेंद्र मोदी बने। अच्छा, मोदी जी पसंद है आपको। हाँ, तो प्रदेश में क्या लग रहा है, मामा जी अच्छे हैं या कमलनाथ अच्छे हैं? मामा जी अच्छे हो क्या? मामा जी क्यों अच्छे हैं? काम कर रहे हैं मामा जी, वो विकास का है, बढ़िया लगता है। हाँ, फिर से आने चाहिए एक बार। वीपी आने चाहिए। यहाँ पर मंदसौर शहर में इस समय मैं मौजूद हूँ, और शाम का समय है, जनता से राय जानी यहाँ पर, और ना ही केवल मंदसौर विधानसभा सीट बल्कि मंदसौर ज़िले को लेकर के भी लोगों ने यहाँ पर चर्चा रखी, पिछली सरकारों का काम बताया, कैसा काम रहा है, अब किसको देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो पूरा 230 सीटों का यहाँ पर समीकरण है उसको लेकर के उनका क्या विश्लेषण है, क्या उनको लग रहा है किसके पास कितनी सीटें हैं, ये पूरी चर्चा आपने सुनी। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जो अभी PFI पर यहाँ कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के, कहीं ना कहीं NIA पर जो उन्होंने सवाल उठाया उसको लेकर, मध्य प्रदेश की जनता की आपने राय सुनी कि उनका क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के। मध्य प्रदेश से ऐसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आपके तक हम जो है जनता की राय पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ही वोट डालने जाती है। अब आपकी इस पूरी चर्चा पर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ।